नगरी निकाय चुनाव के प्रदेश संयोजक उमा शंकर गुप्ता इंदौर बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए, जहां आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। सोमवार दोपहर को गुप्ता ने नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव संचालन समिति बनाने की बात कही। वहां पर बोले कि पहली बैठक में सदस्यों द्वारा चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में बैठक ली गई। वह बोले कि मतदाता सूची को ठीक कराने का काम किया गया। कांग्रेस के शासन में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियां हुई थी। इसके मुताबिक भाजपा पार्टी ने दो घोषणा पत्र जारी किए हैं, पहला प्रदेश का और दूसरा निकाय चुनाव का। गुप्ता ने कहा कि कार्य योजना को लेकर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में हर जिले में प्रभारी बनाया जाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। तो आज तक बढ़ावा नहीं दिया, परिवारवाद की व्याख्या हम क्या करते हैं, ये प्रश्न है। हमारी व्याख्या बड़ा स्पष्ट है, अगर कोई परिवार के चार सदस्य काम कर रहे हैं पार्टी के और उनमें से अगर किसी को कोई पद मिलता है तो इसको हम परिवारवाद नहीं मानता। परिवारवाद हम उसको मानते हैं कि जिसने कुछ काम किया ही नहीं और उठा के लाकर मैदान में उसको उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। नहीं देखिए, अभी एक कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट क्राइटेरिया है, हमारे पास जो भी कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में उपलब्ध है उसमें सबसे अधिक बीज सकने वाले चेहरे को टिकट देगी। कार्यक्रम हुआ है और उसका अंतिम प्रकाशन 3 मार्च को चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं, निरंतर सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। नगरी निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सुव्यवस्थित ढंग से हो इसके लिए एक चुनाव संचालन समिति बनाई है जिसमें हम सारा सदस्य हैं। पहली बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन महामंत्री जी के साथ हुई और उसमें समिति को क्या काम करना है इस पर हमने चर्चा की और पहले काम के रूप में हमारी समिति के सदस्य मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए है और मतदाता सूची को ठीक करवा लिया जाए इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए उनको भेजा था। आप जानते हैं घूमने के बाद एक उनसे ज़्यादा चिंता हमारे मीडिया के साथ हुई, उनको चिंता नहीं है, उनको मालूम है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी सवाल अगर मीडिया करेगी तो मीडिया की चिंता करेगी। अब अगला सवाल रहता हूँ कि आप ही के सहयोगी रमेश मंदोला यूपी बैठक में शामिल नहीं हुए, आज भी नहीं है, तो उनको जिम्मेदारी पकड़ दी है, तो क्या वो सवाल भी ना करें मीडिया में? आप उनकी चिंता में दुला जी की आप लोग कर रहे हो तो सवाल तो जवाब दे दीजिए। मैंने भी जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, बहुत से प्रश्न आपको डाल देते ये कह रहा हूँ। निरंतर मेरे से बातचीत है, कोई परिस्थितियाँ कई बार ऐसी और उसके कारण नहीं रहते हमारे वरिष्ठ साथी की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। नहीं, नाराजगी हमारे सामने तो नहीं है, मतलब बैठक में जिनको बुलाया जाएगा वो शामिल नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत आपको होगा क्या? अब ये पार्टी तय करेगी और टिकट दे देना दो पद खड़ी हो जाता है, चुनाव जीतने के बाद दो पद होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।